जब भी योग में बैठते हो अमृत पहले और शाम को दो टाइम, सारा दिन में याद, चलते फिर इनको देखते याद आया शिव बाबा इसका कल्याण करो, इनको देखते याद आया इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, याद इससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं, विकर्म बनते नहीं है, दोनों में अंतर। अमृत पहले और शाम को जब बैठते हो आराम से बैठो और अपने आप से बात करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, आराम से गड़बड़ी नहीं करना फटाफट धीरे से, फिर मेरा रूप, हाँ मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। विजुअलाइज, विजन ये इंग्लिश शब्द नहीं है, भगवान हिंदी पढ़ाता है, कोई दूसरों का ज्ञान मिक्स नहीं करना, ये बाहर का ज्ञान बहुत मिक्स हुआ, विजुअलाइज करो विजन करो ये बाबा का नहीं है, रियलाइज महसूस करना। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा, मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा। तो समझ में आया मैं कौन, मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा, मेरे गुण, मैं जब परमधाम से आता कितना पवित्र था ऐसे मुझे बनना है, मैं जब परमधाम से आता कितना शांत शीतल था ऐसे मुझे बनना है, जब मैं परमधाम से आया था कितना सुखी था, जब मैं परमधाम से आया कितनी मेरे पास सर्वशक्तियां थी, जब मेरे पास परमधाम से मैं आया कितना ज्ञान था क्या करना चाहिए, क्या ज्ञानी तो आत्मा था, जब मैं परमधाम से आया था मेरे पास मैं संतुष्ट आत्मा था, मांगने वाला नहीं था और आनंद स्वरूप आत्मा था, ये सात होते के गुण धीरे धीरे याद दिला, ऐसे बनना। चौथा मैं क्या करता हूँ, हाँ इस प्रकृति में बैठकर आंखों से देखता हूँ, लेकिन अभी इधर उधर देखना नहीं, एक ही जगह पर स्थिर अचल अड़ो। पांचवा मैं कहाँ से आया, परमधाम से, कुछ दिखाई नहीं देता, आप मन और बुद्धि की कॉन्शियस ट्रेवल कहते हैं, मन बुद्धि की यात्रा, यहाँ अमरनाथ यात्रा में पाव की यात्रा करते हैं, यहाँ मन बुद्धि की यात्रा है, मन बुद्धि जाता है विचार से, परमधाम में कौन है आराम से बैठो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, तो परमधाम में कौन है शिव बाबा, कौन है वो शिव बाबा, देखो कितना पवित्र है बाबा, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, मैं आपका बच्चा हूँ शिव बाबा, आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, मैं आपका बच्चा हूँ, आज से प्रतिज्ञा करता हूँ आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपका बच्चा हूँ, शिव बाबा आप सबको सुख देते हो कभी दुख देते नहीं हो, मैं भी आपका बच्चा हूँ, आज के बाद कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, शिव बाबा आप सबको रोज ज्ञान सुनाते हो, जो मुझे आप ज्ञान सुनाते हो मैं भी औरों को सुनाऊंगा, आपके जैसे सेवा कर, सन शोस फादर, जैसे बाप वैसे बेटा, है ना, आपको देखकर शिव बाबा की याद आना चाहिए, ये भगवान के बच्चे।